वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज पूरा दिन वह आपके लिए क्या सोच रहे थे, यानी उनके विचार, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स क्या थे आपको लेकर आज सारा दिन। ओके व्यूअर्स, यह रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे ना करे, आपको ओपन माइंडेड होकर सुनना है। ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, सालों या हफ्तों बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं, Instagram का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आइए चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है, यह आज पूरा दिन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आर यू एक्साइटेड? चलिए फिर देखते हैं। ओके, नौ, दो कार्ड्स नहीं आए, वाओ सारे कार्ड स्लिप हो चुके हैं व्यूअर, सारे नहीं, हाफ ऑफ देम। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ऑल ओवर द प्लेस है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस होती है। ओके, और वट एवर हैपन्स इन द रीडिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट। चलिए, पहला कार्ड लेने का वक्त आ गया है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अगेन सेवन ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी दोबारा आ गई है। Five of Cups. Okay. तो व्यूअर्स, आज पूरा दिन भर आपके बारे में क्या सोच रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े से कंफ्यूज हैं किसी बात को लेके, और हो सकता है कि आज सारा दिन कंफ्यूज रहे, इन्हें कुछ डिसाइड करना था और ये नहीं कर पाए, इनका पूरा दिन कंफ्यूजन में निकल गया है। मुझे लगता है शायद ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते थे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते थे, तो आपसे कम्युनिकेट करें या ना करें, इस कंफ्यूजन में इनका पूरा दिन निकल गया और शायद इन्होंने कुछ नहीं किया। ओके, या इन्हें कोई डिसीजन लेना था पर ये कन्फ्यूज रहे पूरा दिन और वो डिसीजन नहीं ले पाए। हो सकता है आपके पर्सन को ब्लैक कलर बहुत पसंद हो, ब्लैक कपड़े पर पहनना पसंद हो, यू नो, या आपको पसंद हो सकता है ब्लैक, या आप जब ब्लैक पहनते हैं तो अपने आपके जो पर्सन हैं आप उन्हें बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं जब आप ब्लैक पहनते हैं, तो हो सकता है ब्लैक आपका फेवरेट हो, इनका फेवरेट हो। ओके, तो ये आज सारा दिन काफ़ी कन्फ्यूज रहे हैं, कन्फ्यूजिंग सा रहा है इनके लिए आज का दिन, ऐसा लग रहा है, और मुझे लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया है और ये उस चीटिंग को लेकर रियलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने, आप देखिए चीटिंग अलग अलग तरह की भी हो सकती है, बातें छिपाना भी एक तरीके की चीटिंग होती है, झूठ बोलना भी चीटिंग है, और किसी और को एंटरटेन करना, आपके अलावा अपने ऑप्शंस को ओपन रखना, यू नो, और ऑप्शंस को भी कंसिडर करना,
आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करना, ये सब चीटिंग मान सकते हैं आप, ये किसी तरीके से आपको डिच करना या बिट्रे करना। तो वो इस चीज़ को लेकर रियलाइज कर रहे हैं, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया था या आपको दुख पहुंचाया था, आपको धोखा दिया था, आपके पीठ पीछे बहुत कुछ इन्होंने किया लेकिन आपको पता नहीं लगने दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये रियलाइजेशन कर रहे हैं उन बातों को लेकर, इनको सच में रियलाइज हो रहा है। व्यूअर्स ये पूरा दिन बस यही सोच रहे थे कि अगर इन्हें आपके साथ आगे फ्यूचर चाहिए या आपसे माफी चाहिए या आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहिए तो टीम वर्क करने की ज़रूरत है, यानी कि सिर्फ इनके चाहने से ये रिश्ता सुधर नहीं पाएगा या बन नहीं पाएगा, इसमें आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ये ऐसा सोच रहे हैं कि आज इन्होंने ऐसा सोचा है कि टीम वर्क की बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपकी और इनकी टीम, आपकी और इनकी मिला के जो टीम होगी, जो पेयर होगा, ये चाहते हैं कि जब दोनों एक एक इंटेंशन के साथ बढ़ेंगे आगे तभी ये चीज़ें सही हो पाएंगी। तो आपसे कोऑपरेशन चाहते हैं, आपसे सपोर्ट चाहते हैं, आपसे कोऑर्डिनेशन चाहते हैं टू मेक थिंग्स स्टेबल। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे सपोर्ट, तो रियलाइज कर रहे हैं अपनी मिस्टेक, लेकिन फिर भी यही सोच रहे हैं कि अगर दोनों चाहें तभी सिचुएशन ठीक हो सकती है, अगर मुझे रियलाइज हो गया है इतना काफ़ी नहीं है सिचुएशन को ठीक करने के लिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू व्यूअर्स, आपका ओपिनियन भी इस चीज़ को उतना ही अफेक्ट करेगा, ऐसा वो आज सोच रहे थे। और इसीलिए शायद ये सोचते सोचते पूरा दिन कन्फ्यूजन में निकल गया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आज पूरा दिन इनको अलग अलग सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है, जहाँ पर कोई इनसे कुछ और करने के लिए कह रहा है और कोई और इनसे कुछ और करने के लिए कह रहा है, यानी कि अलग अलग लोग इन्हें अलग अलग तरह की सलाह दे रहे हैं, इनके बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स, अलग अलग सजेशंस के साथ सब इनको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा सजेशंस और एडवाइजेज लोग इनको दे रहे हैं उतना ही ज़्यादा ये कन्फ्यूज़ होते जा रहे हैं। ऑफकोर्स अगर आपके पास एक रास्ता है तो आप उसे ही फॉलो करेंगे, लेकिन अगर 10 लोग आपको 10 तरह की बातें बताएंगे, 10 तरीके के रास्ते बताएंगे, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि अब आपको क्या चूज़ करना चाहिए, इसमें से क्या अच्छा रहेगा, किस रास्ते पर आपको चलना चाहिए। तो इसी प्रकार से काफ़ी एडवाइजेस, काफ़ी सजेशंस उनकी लव लाइफ को लेके या उनके इशू को लेके काफ़ी लोगों ने उनको सजेशंस दिए हैं, जिसको करके ये काफ़ी कंफ्यूज हो गए। और फाइव ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ है, तो ये दुखी तो हैं, आपके साथ सेपरेशन से कोई खुश तो नज़र नहीं आ रहे हैं, एक मायूसी उदासी चेहरे पर ज़रूर है, जैसे गलती करके बैठ जाना बस कि शिट मुझसे क्या हो गया, ओ माई गॉड ये सब तो अब हो चुका, अब मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, इस तरीके की इनकी उदासी भरी एनर्जी है कि ये मुझसे क्या हो गया। यानी कि करते वक्त इतना रियलाइज नहीं किया, अगर गलत किया इन्होंने तो उस वक्त इतना रियलाइज नहीं किया जितना इन्हें बाद में इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, तो दे आर फीलिंग हर्ट, उनको जैसे ही रियलाइजेशन हो रहा है उन्हें बुरा लग रहा है, बट ये फिर भी यही सोच रहे हैं कि दोनों के तालमेल से ही रिश्ता सुधर पाएगा, उसके अलावा मुश्किल होगा। हो सकता है व्यूवर्स आपका या इनका बर्थ मंथ हो मई, जुलाई, फरवरी, मार्च, दिसंबर, नवंबर, सितंबर, ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या इनका जन्मदिन हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। 13/3/23, 7/27/17, 2/12/22, 5/15/25, 31/1/21, 11
28/8/18 तो ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या इनका जन्मदिन हो सकता है। अगर ये डेट्स और ये बर्थ मंथ आपके सिचुएशन से मैच नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपसे मैच कर सकती है। ओके, आइए चलिए आगे देखते हैं। कैसा रहा आज इनका पूरा दिन? भाई बहन हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि इनकी दो बहनें हों, थ्री थ्री सिबलिंग्स मुझे लग रहे हैं ये। या ऐसा हो सकता है कि इनकी दो सिस्टर्स हों या दो ब्रदर्स हों। अगर तीन भाई बहन नहीं है तो हो सकता है दो भाई बहन हैं ये, या दो बहनें हों, कुछ दो या तीन लग रहे हैं मुझे ये आपके पर्सनल और इनके सिबलिंग्स जो भी हैं। पहला कार्ड जो आया है वो है स्लोइंग डाउन का कार्ड है। ठीक है, मुझे लगता है व्यूअर्स यहाँ पर कि ये आपकी तरफ अब भी जो अप्रोच रखेंगे वो बहुत स्लो रहेगी, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए इनका जो भी अभी आपकी तरफ अप्रोच रहेगा वो काफी स्लो रहेगा। गाइडेंस, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि समय समय पर आपको इस बात के लिए गाइडेंस मिलती रहेगी, चाहे आपके डिवाइन स्पिरिट्स आपको गाइड करें, गार्जियन एंजल्स आपको गाइड करें, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करें, या किसी टैरो रीडिंग या किसी और ऐसे स्पिरिचुअल वीडियो के थ्रू आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, तो यहाँ पर आपको समय समय पर गाइडेंस मिलती रहेगी और मिल भी रही है। आपके ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू ये कार्ड पॉप आउट हुआ है जिसमें लिखा है पॉसिबिलिटीज। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके साथ यूनियन या इनके साथ चीज़ें ठीक होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल है, काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि इनके साथ सिचुएशन स्टेबल हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको फेथ लूज करने की या होप लूज करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उम्मीद अब भी है, पॉसिबिलिटी अब भी है सब कुछ ठीक होने की, बट दिस पर्सन इज वेरी स्लो। नो नॉट टू कार्स आई नी, ओके अनफोल्ड हो गया एक कार। हाँ, ऐसा लगता है व्यूअर्स कि उनको दोनों चीजों में से, या जो भी उनके लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, दो डायरेक्शंस हैं जिनको लेकर ये कंफ्यूज हैं बार बार, ठीक है, इनको जो भी डिसीजन लेना है और ये बार बार दो ऑप्शंस में, दो डायरेक्शंस में, दो सजेशंस में कंफ्यूज होते हैं, तो इनको दोनों नाव में सवार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप दोनों नाव में पैर रखेंगे तो पानी में आप ही गिरने वाले हैं। तो यहाँ पे इनको दोनों सिचुएशंस को कस के पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ इन्हें कुछ सर्व नहीं करती या जो चीज़ इनके लिए इतनी वैल्यूएबल या इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन्हें उस चीज़ को लेट गो करना चाहिए, और जो चीज़ इनके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको इनको अपनी लाइफ में चूज करना चाहिए। ओके, सिलेक्शन करना चाहिए उस चीज़ का। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दो सिचुएशंस के बीच में फंसे हुए हैं, अगेन कंफ्यूजन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो आज भी पूरा दिन ये इसी तरीके से दो सिचुएशंस के बीच में लटकते रहे बस, तो इनको डिसीजन लेना आना चाहिए व्यूअर्स। ओके, मुझे ये भी लग रहा है व्यूअर्स कि आपका ना जो बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस, वो ऐसा है कि आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं व्यूअर्स। ये आपके लिए मैसेज मुझे मिल रहा है, इट इज़ अ चैनल्ड मैसेज। आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कंट्रोल करना भी नहीं है, बट करना ये है कि इमोशंस को बैलेंस रखना है, इतना ओवर इमोशनल नहीं होना है कि हर हर बात पर आंसू आ जाएं, हर बात पर हर्ट हो जाओ आप, हर बात पर आपको बुरा लगने लगे, इतना इमोशनल आप हो चुके हैं। तो थोड़ा आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना होगा, और प्रैक्टिकलिटी को और रैशनैलिटी को अपने जीवन में जगह देनी होगी। ओके, स्पेस दीजिए अपने मन में, अपने दिमाग में, रैशनैलिटी, लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी को भी लेके आइए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। एक बैलेंस पर्सन ही सही समय पर सही सोच पाता है।
तो आपको बैलेंस करना होगा अपने इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच में, क्योंकि ऐसा दिखता है कि आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप रात रात में ज़्यादा जाग रहे हैं, ज़्यादा देर तक जाग रहे हैं। आप कोशिश कीजिए, ऐसा कोई रूटीन बनाइए, ऐसी कोई एक्सरसाइज कीजिए या कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए कि थक हार के आप सही समय पर सो ही जाएं। ओके, तो बहुत लेट अगर आप जाग रहे हैं, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, तो ये नहीं करना है आपको। यस, ओके, चलिए कुछ लेटर्स लेते हैं। आपके और इनके नाम में व्यूअर्स ओ हो सकता है, टी हो सकता है, टी फॉर टेलीफोन, एन हो सकता है, एन फॉर नेक्स्ट, ओके, ए हो सकता है आपके और इनके नाम में, एल हो सकता है और एच हो सकता है, एच एल ए एन टी ओ। ओके, तो ये लेटर्स आपके नाम में या आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं, सरनेम्स में भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको मैसेज कर सकते हैं, हेलो, हाय, हेलो, हाउ आर यू, जनरल बातें कर सकते हैं। अगर आज पूरा दिन उनकी आपसे बात हुई है तो जनरल बात हो सकती है, या आने वाले एक आध दिन में एक दो दिन में ये आपको हाय हेलो कुछ ऐसा मैसेज कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपको अपना सर कवर करने की ज़रूरत है। या तो ऐसा है कि आपके सर में धूल मिट्टी बहुत जा रही है, या आप बारिश में भीग जाते हैं, या यू नो आपके सर पे धूप बहुत लग रही है, तो कुछ भी ऐसा अगर हो रहा है ना, तो आपको अपने हेड को कवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया हो। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ही मुझे पता लगेगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर आप लाइक करेंगे तो ही और लोगों तक भी पहुँच पाएगा। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स, आपके व्यूज़ के लिए, आपके प्रीशियस टाइम के लिए थैंक यू सो मच। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल।